अंदर संसार में रहते हैं, आपके इर्द गिर्द अद्भुत वस्तुओं को देखें। आओ हम आरंभ में चलें और देखें कि बाइबल इसके बारे में क्या बताती है कि ये कैसे आरंभ हुआ। आरंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। परमेश्वर ने अंधेरे को एक तरफ किया और कहा उजियाला हो। उसने उजियाले को दिन कहा और उसने अंधेरे को रात कहा। पहला दिन हो गया। तब परमेश्वर ने ऊपर के पानी को नीचे के पानी से अलग करने के लिए एक अंतर बनाया। उसने उस अंतर को आकाश कहा। दूसरा दिन हो गया। परमेश्वर ने पानी को एक स्थान पर इकट्ठा किया और सूखी भूमि दिखाई दी। उसने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा और इकट्ठे हुए पानी को समंदर कहा। तब उसने घास, अनाज के पौधे और पेड़ बनाए। तीसरा दिन हो गया। तब परमेश्वर ने आकाश में ज्योतियां बनाई। उसने दिन के लिए सूर्य, रात के लिए चंद्रमा और सभी तारे बनाए। चौथा दिन हो गया। परमेश्वर ने पानी में तैरने के लिए मछलियां और आकाश में उड़ने के लिए पंछी बनाए। फलों फूलों, उसने उनसे कहा संसार को संगीत और पानी में छपछपाने की आवाजों से भर दो। पांचवा दिन हो गया। इसके बाद परमेश्वर ने जानवर बनाए। उसने खेतों के जानवर, जंगली जानवर और जानवर जो भूमि पर रेंगते हैं को बनाया। अभी केवल एक और चीज बनानी है, परमेश्वर ने कहा। सब चीजों से विशेष अभी केवल एक और चीज बनानी है। इस तरह परमेश्वर ने आदमी और औरत को उसके स्वरूप में बनाया। फलों फूलों, उसने कहा संसार पर अधिकार रखो, मछलियों, पंछियों और जानवरों की देखभाल करो। छठवां दिन हो गया। तब परमेश्वर ने सब कुछ जो बनाया था उसे देखा। ये बहुत अच्छा है, उसने कहा। इस तरह सातवां दिन उसने विश्राम किया और उस दिन को विशेष बनाया। सातवां दिन हो गया।